राखियाँ बनाना बताने वाली हूँ, चार अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत तरीके की राखियाँ बनाना बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, चलिए तीन धागे हमने इक्वल साइज के ले लिए हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, काफी बड़ा हमें लेना है ये, और हमने यहाँ पे एक एंड पे इसके यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा दिया है। नॉट लगा के थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, यहाँ से कट करके इक्वली कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको गुथना है। अब चाहे तो राइटिंग पैड पे से फंसा ले या किसी चीज पे आप फंसा लीजिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली हमें गुथना है, यानी कि इस साइड से इस साइड लाना है, बीच वाले को उधर ले जाना है, फिर इसको बीच में लाना है। इस तरह से करके हमें सिंपली इसको गुथ लेना है इस तरह से। अब चाहे तो थोड़ा टाइट कर सकते हैं या हल्का सा लूज रख लीजिए। हमने हल्का सा इसको लूज रखा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमें कुछ दूर तक इस तरह से गुथ लेना है, थोड़ी दूर तक इसको गुथ लिया है अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नॉट देनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे सिंपली नॉट लगा देनी है। ये हमने टाइटली एक नॉट लगा दी, इतनी दूर हमारा ये कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको केयरफुली इक्वल साइज से ऐसे पकड़ करके और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा देना है। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाया, हमने फैब्रिक ग्लू यूज किया। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मली कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको बनाइए। ये आपके पास कोई नीडल हो तो नीडल से भी आप ये सीक्वेंस कर सकते हैं। नीडल लीजिए और नीडल पे डाल करके आपको मोती पिरोइए। मैंने इसको ग्लू लगाया है ताकि मैं ग्लू से आसानी से चिपक जाएगा तो मोती गुथ सकूं इसमें। हमने कुछ मोतियां ली हैं, इसे हम इसमें धागे में पिरो देंगे। देखिए, अब हम कुछ मोतियां इसमें पिरोएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक आ गई। एक और इस तरह से दो हमने व्हाइट मोतियां ली, इस तरह से हमने डाल दी है इसमें। फिर हमें क्या करना है, एक हमने गोल्डन मोती ली। इस तरह से हमें इसमें मोतियां पिरोते जाना है। सेम सीक्वेंस हमें करना है जिस सीक्वेंस हमने इधर से लगाई है, सेम सीक्वेंस इधर भी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देनी है इस तरह से। ये हमने नॉट लगा दिए। अब क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस इधर भी करना है, यानी कि हमें इधर भी इसको गुथना पड़ेगा। इसके पहले हमें क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे ग्लू लगाया है तो इस ग्लू को यहाँ से कट करना पड़ेगा और अब हमें इसको गुथना है। तो आप एग्जाम पैड में फंसा करके भी गुथ सकते हैं इस तरह से। अब इसको गुथते चले जाइए। गुथने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल, और हाँ हमें ध्यान देना है कि ये इक्वल हो जाए यानी बराबर गुथ जाए तभी हमें दोनों जगह पे नॉट लगानी है, सेम जगह पे। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी लेंथ दे करके, यानी जितने पे हमने इधर वाले को छोड़ा था उतने ही लेंथ पे हमें इसको भी कट करना है और एक्स्ट्रा धागे को हटा देना है। ये हमने काट दिया। सूरज जी, थ्रेड वाली राखी बन करके तैयार हो गई। हमने रेशम का धागा लिया है, छह पीस धागे हमने लिए सेम साइज के, और यहाँ पे एक नॉट लगा दी है और इस साइड से हमने पूरा कट करके इसको इस तरह से बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने छह पीस लिया है तो इसमें दो दो पीस हमें अलग कर लेनी है, यानी कि टोटल तीन पीस हमें मिल जाएंगे बीच में। और हमें अब क्या करना है, इस नॉट को किसी राइटिंग पैड पे या एग्जाम पैड पे फंसा लीजिए, और फिर या फिर किसी चीज में भी आप ऐसे करके फंसा सकते हैं। फंसा के इसको हमें गुथना स्टार्ट करना है। ये देखिए, मैंने तीन भाग में कर लिया। अब क्या करना है, इसको इस तरह से गुथना है, और हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है इसे और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, इस तरह से करना है। इसकी पहले जो डोरी वाली मैंने बताई है उसमें सिंगल सिंगल धागा हमने लिया हुआ है तो वो काफी पतली डोरी आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी मोटी डोरी आए तो थिकनेस के लिए ही हमने इसको दो दो पार्ट में करके लिया हुआ है, यानी सिक्स पीसेस लिए। ये इस तरह से गुथते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने कुछ दूर इसको गुथ लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देनी है इस तरह से। हमने नॉट लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें मोतियां गुथनी है, तो हमें इसका जो ये एंड है इसको ग्लू की हेल्प से पूरा ग्लू लगा के इस तरह से इसका पॉइंट बना लिया है ताकि इसको हम आराम से मोतियों में डाल सके। आप नीडल का भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये काफी मोटा हो जाएगा तो ये नीडल में जाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने इस तरह से इसको किया है, ग्लू लगा के इसका पॉइंट बना लिया है। अब हमारे पास कुछ मोतियां हैं, इनको हम पिरोना, हमने एक व्हाइट मोती डाली है, फिर हम गोल्डन डाल रहे हैं, फिर दो व्हाइट डालेंगे इस तरह से करके हमें डालनी है।
हमने नॉट लगा दिए। अब हमें क्या करना है, सेम सीक्वेंस फिर से अप्लाई करना है जैसे हमने इधर किया था, गुथ लिया था धागे को, इसी तरह हमें यहाँ पे भी गुथना है। और ये जो हमने ग्लू लगाया है इसको हम सीजर से कट कर देंगे उतना हिस्सा, और इसको फिर से हमें गुथना है। सेम प्रोसेस किया है, गुथ लिया है यहाँ तक, हमें देखना है कि कहाँ पे इक्वल हो रहा है। यहाँ पे हमने नॉट लगाई थी तो यहाँ पे हमें इधर भी नॉट लगानी होगी, और हम नॉट लगा देंगे यहाँ पे भी। ये अब सेम साइज का हो गया। अब हमें क्या करना है, कट लगा लेना है कितनी दूर पे, उधर भी कट लगा था सेम उतनी दूर पे हमें कट लगाना है और इक्वल कर लेना है इसको। ये अब हमारी राखी बन करके कम्प्लीट हो गई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये, और सिंपल भी है ये, साल भर चलेगी भी आराम से। अगर आप कलाई पे बांध देते हैं तो ये आराम से टिकी रहेगी, यानी साल भर ये आराम से इसी तरह बंधी रहेगी, इसमें कोई खराब होने का डर भी नहीं होगा। प्लास्टिक शीट में से इस तरह से सर्कल कट कर लिया है, और एक सर्कल इससे थोड़ा सा बड़ा प्लेन रखा हुआ है, और जो हमने बीच से भी कट किया हुआ है सर्कल, इसमें हमें क्या करना है, ये रेशम का हमने धागा लिया है, रेशम का धागा हमें इसमें लपेटना होगा इस तरह से। हमने फंसा लिया, अब हमें क्या करना है, इस तरह से करके इसके अंदर से लेकर करके जाना है ताकि इससे इसका किनारा बनता है। ये इस तरह से आप करेंगे तो किनारे की तरफ इसकी एक लेयर आती जाएगी। पहले आप स्टार्टिंग में थोड़ा फंसा लीजिए, और फिर उसके बाद इस तरह से आप पूरी रिंग तैयार कर लीजिए। रेशम का धागा है इसलिए केयरफुली करना होगा। ये इस तरह से हमें एंड तक घुमाते हुए इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेनी है, और एक रिंग हमारी इस तरह से बन जाएगी इस तरह से। एंड में हमें ये धागा भी इसके नीचे कर करके इसको भी कर देना है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे, और इस तरह से पूरा पूरा कवर कर लिया है। और लास्ट में हमें क्या करना है, इस तरह से करके ये हमने फंसा दिया, और फिर इसी तरह से यहाँ पे करके आपको एक नॉट की तरह थोड़ा बना देना है ताकि ये खुले नहीं। जब आप चिपकाएंगे तो इसको नीचे हम लोग दबा देंगे इस तरह से करके, जब हमें सेट करना होगा तो इस तरह से दबा देंगे इसको। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमने ये जो लिया था एज इट इज इसको रखेंगे, और एक छोटा सर्कल हमें कट करना है जो इसके सेंटर में आ जाए। तो लिया, अब इसे हमें डेकोरेट करना है, तो हमने चिपकने वाले स्टोन्स लिए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, रेड कलर का हमने कट किया है और इसको इसके सेंटर में सेट कर देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, स्टोन लगाने हैं हमें गोल्डन कलर के साइड साइड में इसके, हमने कुछ स्टोन्स गोल्डन कलर के लिए हैं, और इसको हम इसके साइड में लगाएंगे। इसके लिए हमें यूज करना होगा इंस्टेंट ग्लू। इंस्टेंट ग्लू डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे चिपकाते जाना है स्टोन्स को साइड साइड में। इंस्टेंट ग्लू हमने फ्लेक्सो बॉन्ड का यूज किया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये फ्लेक्सो बॉन्ड जो होता है वो फेविक्विक की तरह होता है, तो इसको जब भी आप यूज करें तो बहुत ही केयरफुली यूज करें, इससे हाथ में भी चिपक जाता है ये। ये देखिए इस तरह से हमें कर लिए। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ग्लू डालना है। ग्लू डालने के बाद हमें क्या करना है, जैसे जरी का धागा हमने लिया है और इस तरह से इसको केयरफुली इसके साइड में हमें लगा लेना है। हमने दो लेयर लगा ली है जरी की। अब हमें क्या करना है, छह पार्ट में ये धागा लिया है इस तरह से, हमने काफी लंबा ये लिया हुआ है और छह पार्ट में हमने लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक छोर इसका पकड़ना है और यहाँ पे हमें एक नॉट दे देनी है इस तरह से। ये हमने इस तरह से इसमें नॉट दे दी है। अब हमें क्या करना है, इसको दो दो पार्ट अलग करके इसको गुथना है। आप चाहे तो इसे एग्जाम पैड में फंसा लीजिए, या किसी भी चीज पे फंसा करके आप दो दो पार्ट करके इसको गुथ लीजिए। इस तरह से हम इसको गुथेंगे, और हमें बहुत टाइट नहीं गुथना है, हल्का हल्का ही, यानी हल्का ढीला ही गुथना है। और जब आप गुथते हैं इसको तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि थोड़ी चौड़ी लगे। गुथते समय हमें क्या करना होता है, राइट वाले को बीच में ले जाना होता है, बीच वाले को राइट में, फिर लेफ्ट की तरफ, इस तरह से करके हमें करना होता है। इतनी दूर तक गुथने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉट दे देनी है इस तरह से। ये हमने एक नॉट यहाँ पे दे दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है बीच का इतनी दूर छोड़ करके, यानी जो हमने सर्कल लिया था उसको लेंथ हमें देख लेनी कि कितनी हमें छोड़नी है, इतना छोड़ करके फिर हमें यहाँ पे एक नॉट दे देनी है यहाँ पे। ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस का ध्यान देना होगा कि कितनी दूरी पे करना है। देखिए हमने थोड़ा सा
हिस्सा पे रख करके एक नॉट दे ली है। अब हमें क्या करना है, बाकी का हिस्सा भी हमें गुथ लेना है, सेम प्रोसेस करना है। और फिर इक्वल करके, यानी कि जब हमारी गुथ करके यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ हमें फिर नॉट दे करके यहाँ पे हमें इतना छोड़ करके काट। ये हमने जो डोरी कंप्लीट की है, इस डोरी को इस तरह से हमें बीच में रखना है। तो हमें क्या करना है, पहले इंस्टेंट ग्लू डालना होगा इस पे। और अच्छी तरह से इस डोरी को इस पे लगा देना है, इस तरह से करके। इसके ऊपर अब हमें ये जो सर्कल हमने कंप्लीट किया था, इसको लगाना है। और हमने जो हल्की सी डोरी नॉट लगा करके छोड़ी थी, उसको हमने फैब्रिक ग्लू से पीछे चिपका दिया है। अब इसको इस पे सेट करना है हमें। इंस्टेंट ग्लू अच्छी तरह से डाल करके इसे हमें यहाँ पे सेट कर देना है, इस तरह से। अब ये हमने अच्छी तरह से इसको चिपका लिया है। और बाहर से हमने जो भी एक्स्ट्रा था हमने उसको काट दिया है। अब क्या करना है, इसको भी इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से इसके सेंटर में लगा देना है। ये प्रॉपर चिपक जाए अच्छी तरह से, इसलिए हमने इस पे कायदे से ग्लू लगा दिया। उसको इस पे हमें अच्छे से चिपका देना है, इस तरह से। हमने ऑरेंज कलर के कुछ स्टोन्स लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जब ये सेट कर लिया है तो इसके साइड साइड में हमें इंस्टेंट ग्लू डालना है और उस पे हमें ये स्टोन्स लगाने हैं। बन करके कंप्लीट हो गया है। अब हमने ब्लू कलर का स्टोन लिया है, अब हम इसे कट करके इस पे चिपका देंगे बाहर की तरफ। हमारी बहुत ही खूबसूरत सी राखी बन करके कंप्लीट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आपके भाई के हाथों पे ये बहुत ही प्रोसेस हमने रेशम के धागे से किया है, सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। हमने क्या किया, एक सर्कल कट किया और उसको शॉर्टन रिबन से कवर कर दिया है। और एंड में हमने क्या किया, ग्लू की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका दिया। हमने फैब्रिक ग्लू यूज किया है ताकि ये खराब नहीं हो। अगर आप नॉर्मल ग्लू यूज करते हैं, फेविकोल वगैरह, तो ये बाद में पानी पड़ करके निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ये हमने बड़ा सर्कल लिया ही था, एक हमने क्या किया, थोड़ा छोटा सर्कल इसके बीच का लगभग हल्का सा बड़ा एक कट कर लिया है। अब हमें क्या, इंस्टेंट ग्लू का यूज करना है। इंस्टेंट ग्लू हमें सेंटर में इस तरह से डालना है। डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें व्हाइट मोती लगानी है। ये हमें इंस्टेंट ग्लू और लगाना है। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, मेरे पास धागा है रेड कलर का जरी वाला, इससे हमें इसको कवर करना होगा। ये हमने जरी से कवर किया। अब हमें क्या करना है, गोल्डन चेन लेकर के इसको कवर करनी है। ये इंस्टेंट ग्लू है तो बहुत जल्दी सूखता है, तो आपको थोड़ा फास्ट लगाना होगा इसको। इस तरह से हमें दो लेयर जरी की लगाई है और एक लेयर हमें इस तरह से गोल्डन चेन लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद इसको कट कर देंगे हम, इतना बड़ा हमें रिक्वायरमेंट है। अभी हमने इतना कंप्लीट कर लिया, अब हमें फिर से इंस्टेंट ग्लू लगाना है। और हमें क्या करना है, स्टोन लगाने हैं इस तरह के, इस तरह के स्टोन हमें लगाने हैं। इसको पूरा कवर कर लेना है। ये देखिए हमारा सेंटर का पोर्शन बनकर के कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट में ये धागा लिया है, इस तरह से हमने काफी लंबा ये लिया हुआ है और 6 पार्ट में हमने लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक छोर इसका पकड़ना है और यहाँ पे हमें नॉट दे देनी है, इस तरह से। ये हमने इस तरह से इसमें नॉट दे दी है। अब हमें क्या करना है, इसको दो दो पार्ट अलग करके इसको गुथना है। आप चाहे तो इसे एग्जाम पैड में फंसा लीजिए या किसी भी चीज पे फंसा करके आप दो दो पार्ट करके इसको गुथ लीजिए। इस तरह से हम इसको गुथेंगे और हमें बहुत टाइट नहीं गुथना है, हल्का हल्का ही, यानी हल्का ढीला ही गुथना है। और जब आप गुथते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर ले ताकि थोड़ी चौड़ी लगे। गुथते समय हमें क्या करना होता है, राइट वाले को बीच में ले जाना होता है, बीच वाले को राइट में, फिर लेफ्ट की तरफ, इस तरह से करके हमें करना होता है। इतनी दूर तक गुथने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉट दे देनी है इस तरह से। ये हमने एक नॉट यहाँ पे दे दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है बीच का, इतनी दूर छोड़ करके, यानी जो हमने सर्कल लिया था उसको लेंथ हमें देख लेनी कि कितनी हमें छोड़नी है, इतना छोड़ करके फिर हमें यहाँ पे एक नॉट दे देनी है। कितनी दूरी पे करना है, देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे रख करके एक नॉट दे ली है। अब हमें क्या करना है, बाकी का हिस्सा भी हमें गुथ लेना है, सेम प्रोसेस करना है। और फिर इक्वल करके, यानी कि जब हमारी गुथ करके यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ हमें फिर नॉट दे करके यहाँ पे हमें इस पे क्या करना है, ग्लू डालना है, इंस्टेंट ग्लू। इंस्टेंट ग्लू डालने के बाद हमें ये डोरी जो भी हमने बनाई है इसको इस तरह से यहाँ पे
सेट कर देंगे उस पे, केयरफुली इस पे हमें सेट कर देनी है इस तरह से। और फिर हमें क्या करना है, पूरे पर पिस्टन ग्लू डाल देंगे अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से हमने पिस्टन ग्लू लगा दिया है। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने सर्कल बना करके कंप्लीट किया था शॉर्ट रिबन से, इसको इसके ऊपर सेट कर देना है इस तरह से। ये हमने सेट कर दिया है। और सेंटर में हमें क्या करना है, ये जो भी हमने बना करके कंप्लीट किया स्टोन से, इसको भी सेंटर में हमें सेट करना है। हमें पहले इंस्टेंट ग्लू इस पे अच्छी तरह से लगा देना होगा। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस पे सेट कर देना है अच्छे से। ये इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब हमें साइड में इंस्टेंट ग्लू लगा करके इस पे इस तरह की डोरी मिलती है मार्केट में, अब इस तरह से लेकर के इसको साइड में इस तरह से कवर कर साइड से इसको लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लगा करके इस तरह से स्टोन्स भी हमें सेट कर देने हैं। ये एक गोल्डन लेयर यहाँ पे भी लगा दी है, ये देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत सी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत ही खूबसूरत सी राखियाँ आप बिल्कुल बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें और आप मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस देखते रहें और नई नई चीजें बनाना सीखते रहें।